Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Deepan Gogoi, and today we'll discuss about the crude oil pivot point support and resistance, market trend or market range. और हम देखेंगे crude oil आज क्या होने वाला है उसका भी ऊपर हम research करेंगे और कहाँ भी आप entry कर सकता है crude oil में तो वो भी हम दिखाएंगे और कहाँ ऐसा आपको लगाना है और कैसे आपको trading करना है ठीक तो फर्स्ट हम देख लिया क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 3929 फर्स्ट रेजिस्टेंस 3 4003 सेकंड रेजिस्टेंस 4061 थर्ड रेजिस्टेंस 4135 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3871 सेकंड सपोर्ट 3797 थर्ड सपोर्ट 3739 तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं डेली चार्ट में देखो तो डेली कंटीन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है राइट तो थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा एडजस्ट ओके तो आप देख सकते हैं मार्केट डेली में देखेंगे तो ये कंटीन्यूअसली अप ट्रेंड में ही था राइट यहां पे कंटीन्यूअसली अपने हायर हाई बना के जा रहा था ये राइट तो बाद में ये लास्ट पॉइंट हुआ तो उसका बाद मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे आ रहा है तो एक मार्केट एक रेंज में आ रहा है राइट तो आप देख सकते हैं यहां पे एक रेंज निकाल के मार्केट एक रेंज में आ रहा है तो मैंने ये ड्रॉप किया नहीं बराबर हुआ नहीं इसको मैं फिर से एक ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल ये चैनल डाल देता हूं तो इसमें देख सकते हैं ये मार्केट कंटीन्यूअसली ये रेंज में आ रहा है ठीक है तो इसका रेजिस्टेंस कहां पे है तो रेजिस्टेंस के लिए हम वीकली चार्ट जाना पड़ेगा तो वीकली चार्ट में मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाला यहां पे रेजिस्टेंस लाइन क्यों डाला यहां पे देख सकते हैं यहां पे मैंने हायर कनेक्टेड पॉइंट को लिया एटलीस्ट 3 तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट कनेक्टेड हुआ राइट नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट कनेक्ट हुआ यहां पे ट्राई किया था 2 मिला हमें और थर्ड ये कनेक्ट हुआ तो 3 कनेक्टेड तो इसके लिए हमने एक क्या डाला ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक यहां पे हमें एक सपोर्ट लाइन मिला वो वीकली में राइट तो अगर हम डेली में देखें तो यहां पे आप ये है डेली चार्ट तो डेली चार्ट में हमें एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लाइन मिला यहां पे ठीक है ये एक सपोर्टिंग लाइन डेली में और यहां पे आप देख सकते हैं सीसीआई और स्टोकेस्टिक फुल्ली ओवर सोल जोन में है राइट तो मुझे थोड़ा लगता है ये पॉइंट से थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है लास्ट पॉइंट अराउंड 3787 ये लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पे एक हमें सपोर्टिंग लाइन ओके सो अब देखेंगे हम 4 आवर में तो 4 आवर में देख सकता है एक चैनल में आ रहा है अब मैंने अगर इसको चैनल निकाल दिया तो आप देख सकते हैं एक चैनल में मार्केट नीचे आ रहा है ये चैनल है राइट तो ये चैनल में मार्केट आ रहा है तो 4 आवर में देख सकते हैं यहां पे एक बात यहां पे तो 4 आवर में आप एक बात देख सकते हैं यहां पे ये जो 20 मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आ रहा है जैसे यहां पे देख सकते हैं 20 moving average resistance, next resistance, next resistance, next resistance, next 20 to market नीचे आ रहा है तो ये लेकिन last point मुझे लगता है ये जो हमें क्या मिला यहाँ पे एक support line तो support line में अभी कभी भी buy मत लीजिए क्योंकि इसको breakout होने के लिए wait करना पड़ता है क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो last point हमें मिला ये जो लास्ट पॉइंट मिला हमें यहां पे आप बाय नहीं ले सकता क्योंकि इसको ब्रेकआउट करना चाहिए जैसे अब अगर आपको इसका नीचे में मिले 37 38 उसका नीचे में अगर मिले आपको तो वहां से सेल जा सकता है राइट तो क्योंकि ये पोर्शन से आप सेल नहीं जा सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्टिंग लाइन का आसपास है राइट तो अगर हम 30 मिनट में देखे तो 30 मिनट में देख सकता है ये मार्केट
डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 30 मिनट में ये कौन सा मूविंग एवरेज से ज़्यादा सपोर्टिंग बना रहा है 30 मिनट में, आप देख सकते हैं ये 100 मूविंग एवरेज, राइट, 100 मूविंग एवरेज आपको सपोर्टिंग सॉरी रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है, राइट। तो मुझे लगता है ये मार्केट एक यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन में चल रहा था, राइट, एक जोन में था, यहाँ एक जोन में इसको ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ कल रात, रात के टाइम में फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो मुझे लगता है ये पोर्शन से और एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के यहाँ 378 यहाँ से आके फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा। यहाँ से एक बार देख सकते हैं आप, एक बार देखना पड़ेगा ये जो लोअर पॉइंट है इसको ब्रेकआउट कर पाता क्या नहीं पाता, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता और मार्केट यहाँ से वापस भी जा सकता है ये रीजन से, राइट। तो इसलिए आपको बाय लेना है तो आप जो सपोर्टिंग रेंज है, तो सपोर्टिंग रेंज में आपको जब कंफर्मेशन मिलेगा तब आप बाय में जा सकता है सपोर्टिंग रेंज में। अगर 5 मिनट में देखेंगे अभी एंट्री के लिए कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट में थोड़ा देर ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, बाद में आज गैप डाउन में ओपन हुआ है। तो यहाँ से एक देख सकते हैं एक हायर हाई पैटर्न फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हायर हाई, अगर ये हायर लो में रह गया, अगर ये लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाया तो हायर लो में अगर आपको कन्फर्मेशन मिले तो यहाँ से आप बाय जा सकता है, लेकिन सेल लेना है तो आपको इसका नीचे जो मैंने दिया हुआ है 3787 का नीचे से आप सेल जा सकता है यहाँ से, राइट। तो इसलिए आपको देखना थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा और मार्केट का पहले बिहेवियर को देख लेना चाहिए, यह मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट। तो अभी ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, अभी अराउंड 10:13 हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा देर वेट करना चाहिए। अगर प्रीवियस हाई जैसे ये आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ से आप बाय जा सकता है, राइट। और सेल लेना है तो 3787 से आप सेल में जा सकता है। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।